जबलपुर में मेडिकल अस्पताल के नर्सों ने विरोध सप्ताह के छठवें दिन आंशिक काम बंद कर डीएन कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, पिछले छह दिनों से विरोध जता रही नर्सों की मांग है, वे बीते 11 सालों से पेंशन, सेकेंड ग्रेड पदोन्नति और वेतन विसंगति समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर गुहार लगाती आ रही हैं, लेकिन शासन के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। यही वजह है विरोध सप्ताह के दौरान हर दिन अलग अलग तरीके से नर्सेज विरोध जता रही हैं। जी, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हमारे विरोध प्रदर्शन सप्ताह का आज छठवां दिन है। शुरू के दो दिन हमने काली पट्टी बांधी, उसमें हमें लगा था कि शासन अंधा है, इसलिए हमने उनके आंखों पर काली पट्टी बांधी थी। चौथे दिन तक हमें लगा शायद वो गूंगा हो गया है, इसलिए हमने उनके मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करना चाहा था। पर आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें लगता है वो पूरी तरीके से निशक्त हो चुके हैं, उनकी शक्तियां जा चुकी हैं। हम आपके माध्यम से उन्हें आईना दिखाना चाहते हैं, शायद वो न सोच पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं, न बोल पा रहे हैं। यही एक कारण होगा कि उन्होंने आज दिनांक तक हमें न बैठक के लिए बुलाया, न अपने जनप्रतिनिधि से किसी से कोई पत्र व्यवहार किया। शायद वो चाहते हैं कि कोरोना काल में जिन नर्सों ने यमराज से प्राण खींचकर मरीजों के लिए वापस लाए थे, जो यमराज और जीवन दान के बीच सुरक्षा कवच बनी थी, वो चाह रहे हैं कि यहाँ वापस मृत्यु दरें बढ़े, हम काम बंद हड़ताल पर उतर जाए। अगर काम बंद होता है, अगर वो हमें बैठक के लिए नहीं बुलाते, इसकी सारी जवाबदारी इन तीनों शासन की होगी, प्रशासन की होगी, इसमें नर्सेस कहीं से जिम्मेदार नहीं होंगी।